सते जेमिति लागुची कि एबे तृतीय विश्वयुद्धर एक भयंकर बादल मुंड टेकी उठिलाड़ी आउ एहार कारण पालटिची चीन। चीनर विस्तारवादी नीति बाइडेन को अमल रे चीन विश्वास करुथला कि बाइडेन चीन प्रति नरम मनोभाव कोहल करिवे, किंतु परिस्थिति जेमिति हलाणी बाइडेन ट्रंपकर सबु नीति को ओलटपालट करथिले मध्य चीन प्रति एबे कड़ा आभिमुख्य पोषण करछन्ती एवं सबुटु बड़ कथा जहाँ चीन को सबुटु व्यथित करे ताइवान मामला एथिरे हस्तक्षेप करिछि अमेरिका। अवश्य ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗକୁ जन्म ଦେଇଥିଲା चीन। उद्देश्य थिला कि ताइवान भली देश को अमेरिका बा खास करी बाइडेन केमिटी समर्थन करुचंती एहा जानिबा पई चीन जो तरीका अपने एहा एबे अन्य एक विपद को जन्म देवा आरंभ करिछि। गोटे पटरे गत रविवार दिन चीन रो 12टी विमान ताइवान रो एयर स्पेस सीमा को अतिक्रम करथिला। एहा परे परे ताइवान रो वायुसेना अलर्ट होई जायतिला एवं निजरो लड़ाकू विमान द्वारा एमानकु प्रतिरोध करिबा आरंभ करथिला एवं सेमानकर चेतावनी पाइला परे चीन रो विमान सबु फेरी आसीथिले। केवल सेतिक नुह गत रविवार दिन मध्य 8टी बम्बर विमान सह 4टी लड़ाकू विमान पुनर्बार ताइवान रो एयर स्पेस रे पसी जायथिला। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଇୱାନର ବାୟୁସେନା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚେତାବନୀ ପାଇଲା ପରେ ଚୀନର ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ କଥା ଥିଲା ଯାହାକି ବାଇଡେନଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ତାଇୱାନ। ଏହା ପରେ ପରେ ତାଇୱାନର ଜଳସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା USS ରୋଜବେଲ୍ଟ ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଏହା चीन रो मुंड बढ़ाई दीची, कारण USS रोजवेल्ट फ्लीट सबुठू भयंकर एवं घातक बोली आगुरी जनासु। एथिरे प्राय 90टी लड़ाकू विमान रही 3000 सैन्य समेत अनेक युद्धपद एवं दक्षिण चीन सागर में प्रवेश करिसेंति। उद्देश्य ताइवान को जदि विपद सृष्टि हुए ताहले अमेरिका एक्शन ओरिएंटेड हो। USS रोजवेल्ट 332 मीटर एक विराट फ्लीट जो 3000 सैनिक पाखापाखि 90टी लड़ाकू विमान नियोजित रही। सेपटे अमेरिका एतिकिरे थमी नाही USS लिमिट को मध्य इंडो पैसिफिक सागर रे ओल्हाई देछि। एहा मध्य एक घातक फ्लीट रूप रे परिचित। सेपटे जापान रो सेनकाकु द्वीपरे मध्य धसई पचिया को चाहितिले चीनी सैन्य माने। एमिति भी जापान एवं अमेरिका रो प्रतिरक्षा चुक्ति रहिछि। ए दिगरे जापान अमेरिका सह चुक्ति कला दिनठू निजर प्रतिरक्षा विभाग रे बजेट को बढ़ाई नथिला, किंतु एबे लगातार चीन रो आक्रमण रे UN रे जापान अभियोग करिवा परे परे चीन विरुद्ध रे मध्य बे प्रतिरक्षा बजेट बढ़ाइबो बोली संकेत देछि। केवल सेतिकि नुह अमेरिका को कहिछि ए दिगरे जदि अमेरिका प्रशासन ठोस किछि प्रमाणित तो नकरे बा जापान सपक्ष में सेभली किसी गुरुत्वपूर्ण अंशग्रहण नकरे ताहले जापान मध्य निजर प्रतिरक्षा बजेट को बढ़ाइबो। एपटे ऑस्ट्रेलिया भारत जापान एवं अमेरिका रो स्क्वाड दल गठन होइछि। एही भरोसारे उभय पटरु जापान एबे प्रतिरक्षा विभाग रे सहायता पाइबार आशा रखे, किंतु सेनकाकु द्वीप जापान एवं चीन पई सबुठु महत्वपूर्ण होइता बेले एहा जापान अधीन रे थिबा बेले मध्य चीन एहाकु निजर बोली दाबी करिछि एवं एही अंचल को बारंबार धसै पसिया पई चेष्टा करि एवं एही रविवार दिन नवम कोर कमांडर स्तरीय बैठक रे मध्य एबे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को नै बैठक होइथिले मध्य भारतीय सेना माने कहिछन कि एबे सैन्य अपसारण एवं सीमा विवाद रो समाधान चाइना हातरे रहिछि। एवं ठीक एही भितरे 4 दिन तले नॉर्थ सिक्किम नाकुला सेक्टर रे मध्य भारतीय एवं चीन सैन्य भितरे संघर्ष आरंभ होइतला, जेउटी 20 जन चीनी सैनिक आहत होबार सूचना मिली। तेबे सबुठ बड़ कथा एते ठंडारे भारतीय जवान माने चीनी सैनिक मानकु बैकफुट को ठेली दैछन्ती। एहार अर्थ हला समग्र एशिया महादेश रे एक अशांतिर वातावरण को जन्म दे दैछि चीन। उद्देश्य बाइडेन को दृष्टिकोण रे एही देश मानकरे अमेरिका केउ भली प्रभाव विस्तार करूची बा चीन विरुद्ध रे केउ भली भाव रे प्रतिक्रियाशील होउची एहाको जानिबार उपाय चीन एक भिन्न तरीका नै। केवल सेतिके नुह ताइवान सीमा को एक फ्लीट एंटी सबमरीन सुखोई 30 J-16 भली घातक एयरक्राफ्ट पठाई दी ताइवान को पूर्वर जेमिति धमक दौथला एबे मध्य धमक दबा आरंभ करिछि। ताइवान मध्य एबे अमेरिकार दक्षिण चीन सागर रे जो प्रवेश घटिछि एथिरे उत्साहित थिले मध्य भारत भली देश को से विचार को नैछि, कारण भारत एवं चीन रो जो कट्टर मनोभाव रहिछि एही घटना को लक्ष्य करी भारत रो सहयोग लड़िछि ताइवान गलवान संघर्ष परे भारत आउ चीन को हालकारे नेबा भूली जाय। चीन रो प्रति पदक्षेप रो कड़ा मुकाबला करिया पई भारत निजको निजे प्रस्तुत करि नउ। केवल सेतिके नुओ पड़ोसी देश माननकु वैक्सीन सहायता, प्रतिरक्षा विभाग रो सहायता आदि इत्यादि करी पड़ोसी देश मानू निज पाखे सामिल कर द्विपाक्षिक संपर्क जोड़ी आगक बढ़ाक चाहिए। ए दिगरे ताइवान अमेरिका सह तो सहयोग लोड़ी, किंतु अपरपटे भारत सहयोग लोड़ी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका एवं सीधासख भाव में क्वाड टीम को सबल करने एवं निजर सैन्य सामंत बढ़ावार प्रयास आरंभ कर दी, किंतु आ भितर अमेरिका को जवाब देवाई चीन ताइवान सीमार समराभ्यास को जन्म देवाई एक विराट प्रस्तुति आरंभ कर दी। तेणु आगक चली ए परिस्थिति क्यों भली रूप नब ताहा देखा बाकी रहा। आउ एमितिर भी चीन रदि कौन आक्रमण ताइवान किंबा जापान प्रति हुए ताहले एथिरे अमेरिका लंफ प्रदान करिवो एवं अमेरिका लंफ प्रदान जदि करे ताहले परिस्थिति अत्यंत भयानक हो। एक था चीन, भारत, रूस, जापान, थाईलैंड एवं ताइवान मध्य विशेष भाव में अनुभव कर सारे। डीटीवी ओडिया देखा सब्सक्राइब करूँ एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।